हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर पीएसटी न्यूज पर। आज की वीडियो में बात करेंगे मणिपुर में हिंसा के बाद मिजोरम पुलिस भी अलर्ट, मेतई लोगों की बढ़ाई सुरक्षा। मिजोरम के गृह सचिवालय ने शनिवार को मेतई समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था। पीएस एकोड एमएनएफ रिटेनेजिस ने बाद में यह स्पष्ट किया कि उसके द्वारा जारी किया गया बयान गलत समझा गया था। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ मिजो संगठनों के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। इससे पहले एक पूर्वी उग्रवादी समूह के बयान के बाद मेतई लोगों के राज्य छोड़ने की खबरें भी सामने आई थी। इसे देखते हुए रविवार को पूरे मिजोरम में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसकी वजह से रविवार को 3 उड़ानों में 78 लोगों ने मणिपुर के लिए उड़ान भरी। वहीं शनिवार को 65 लोगों ने पड़ोसी राज्य की यात्रा की। हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि इनमें से कितने लोग नियमित यात्रा पर थे और कितने लोग डर के कारण भाग रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि ये निर्धारित वाणिज्यिक उड़ाने थी। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2 महिलाओं का निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व उग्रवादियों के समूह ने मेतई समुदाय के लोगों को राज्य छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद मिजोरम से 41 मेतई लोग सड़क मार्ग से असम के कछार जिले में चले गए। इसके अलावा मणिपुर के 31 मिजो छात्र वहाँ के मौजूद स्थिति के कारण मिजोरम लौट आए हैं। एनजीओ के ओडिशनल कमेटी, सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो जिरलाई पावल सहित 5 प्रमुख नागरिक समाज संगठनों का एक समूह है। यह संघर्षग्रस्त मणिपुर में जो जातीय लोगों के प्रति एकजुटता बढ़ाने के लिए मंगलवार को राज्य भर में प्रदर्शन करेगा। आज वीडियो मत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।